ये मिल गाड़ी रहा का है। फीचर सबसे अलग है, ऐसा पिकअप आपको नहीं मिलेगा। स्वागत करता हूं आपका हमारा YouTube चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि भाई आरा के वीडियो बनाओ ट्रैक्टर की, जो कि तो गाइस जैसे कि आज हम आ चुके हैं आरा, जो कि आप लोगों को डिमांड था कि भाई आरा के वीडियो बनना चाहिए। सो देख सकते हैं कि आज हम आरा हैं, जिस शोरूम का फर्स्ट वीडियो में बनाया था और उस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यार नेक्स्ट वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आज आपको न्यू अपडेट लेकर आया हूँ और आपको पता है कि अभी धनतेरस आने वाला है, दीपावली की कुछ ऐसा ऑफर भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रैक्टर दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, दो ट्रैक्टर है, ब्लू कलर की है और एकदम बिल्कुल न्यू की जैसी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पिकअप दिखा देते हैं। यहाँ पे एक पिकअप है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिकअप और एक पिकअप इस साइड आप देख सकते हैं। तो दो पिकअप यहाँ पर है और दोनों पिकअप की क्या है कि प्राइस बहुत अच्छा है और बिल्कुल एकदम न्यू की जैसा है, ठीक है। और इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल जो डिटेल में दूंगा, ठीक है। और दो ट्रैक्टर है, दो ट्रैक्टर के बारे में पूरा डिटेल दूंगा। और अगर आप लेना चाहते हैं टेम्पो, ठीक है, अगर आप टेम्पो लेना चाहते हैं तो टेम्पो भी यहाँ पर है। तो थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर दो दो टेम्पो लगा हुआ है, एक छोटा टेम्पो है, एक बड़ा टेम्पो है और एक साइड में भी टेम्पू है, जो कि उस साइड में आपको दिखाएंगे, वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और इसको जो सारा जो गाड़ी, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल लूँगा, यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करेंगे और जानते हैं फुल डिटेल। तो आइए। सो गाइस, जैसे कि आप लोग इनको पहचानते ही होंगे जो फर्स्ट वीडियो में, तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को हाई कीजिए। हेलो, हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरे तरफ से नमस्कार और शुभ प्यार। ये हमारा दूसरा वीडियो बन रहा है जिसमें हमारे पास अभी बेसिकली ज़्यादातर कमर्शियली गाड़ी हम डील करते हैं। अभी दीपावली में हम लोग कुछ अपना ऑफर रखे हुए हैं। आपके YouTube से मुझे ज़्यादा ही प्रेम मिला, बहुत सारा इंक्वायरीज आई, बहुत सारा बिजनेस भी हुआ YouTube के मार्फत। इसके चलते मैं सोचा कि इस बार YouTube में आप लोगों को कुछ ऑफर भी दिया जाए आने वाले त्यौहार के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब ये ट्रैक्टर या सेगमेंट से बोलिए तो हम यहाँ से बताते हैं आपको। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं ट्रैक्टर से। यहाँ पे उस टाइम भी ट्रैक्टर से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो अभी भी स्टार्ट करते हैं। तो आइए सर, ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हाँ, ये ट्रैक्टर है स्वराज की, ये आपका 2019 मॉडल है। इसको हम लोग अभी कॉस्ट रखे हैं, वैसे तो इसका कॉस्ट 5.25 लाख है जी, लेकिन दीपावली के शुभ अवसर पर इसको हम लोग 5 लाख ही में पेपर के साथ आपको ट्रांसफ़र वगैरह करके दे देंगे। ओके सर, तो ये 5 लाख प्राइस है, जैसे 5.5 लाख प्राइस रखा गया है, 5.25 लाख प्राइस रखा गया है। ऐसे हमारे यूट्यूब सीरीज मतलब आपको जो 5 लाख हम लोग 20 से 25 हज़ार अभी डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके ओके, ये मतलब दीपावली को लेकर, ओनली फॉर दीपावली फेस्टिवल को देखते हुए। ओके ओके, गाड़ी एकदम न्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। मात्र ट्रैक्टर तो घंटे से हिसाब से चलती है, मशीन सब ये सब होता है जो भी जी। इसमें आपको ये 900 घंटा मात्र चली है गाड़ी। ओके, अभी टायर वगैरह इंजन वगैरह अभी कहीं भी रिंच प्लास भी नहीं लगा इसका कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फर्स्ट ओनर है? हाँ फर्स्ट ओनर, सभी गाड़ी मेरे पास फर्स्ट ओनर। ओके, फर्स्ट ओनर है। और इसकी माइलेज क्या होगी सर? इसका माइलेज नहीं, घंटा में आपको 3-4 लीटर खाती है डीजल। अच्छा, एक घंटा में कितने खा लेगी? 3 से 4 लीटर डीजल। ओके ओके, 3 से 4 घंटे में। हैवी वर्क लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी ले रहे हैं काम इससे जी, जी। इसका औकात से ज़्यादा जी सर, 1 लीटर ज़्यादा भी खा लेगी जी। उसी तरह ये भी 18 मॉडल है स्वराज, सेमी मॉडल ये भी है, सेम HP की गाड़ी, 39 HP। इसका भी दाम 5 लाख है, लेकिन 4.85 में इसको हम लोग दीपावली के शुभ अवसर में रेट अभी ओपन किए हुए हैं। 4,85,000 पेपर वर्क करके। ओके, पेपर के आप पूरा जो ट्रांसफर वगैरह, टैक्स, फिटनेस, जो भी इसका जरूरी पेपर सब है सब हम लोग देते हैं। आप लोग देंगे? हाँ, जो हमारे कस्टमर होंगे वो क्या है कि आपको 4,85,000 दे देंगे, बाकी जो काम आपको टोटल हम पेपर वर्क करके दे देते हैं विद इन अ मंथ। ओके, ट्रांसफर सर कितने दिन में कर देंगे? एक महीना लग ही जाता है। अच्छा, एक महीना? हाँ, इतना प्रोसेस चलता है। ओके ओके, इसका
माइलेज क्या है सर? सेम, दोनों का सेम है। सेम है, हाँ, वो स्वराज ये भी स्वराज है। अब ये भी फर्स्ट ओनर है। हाँ, अभी नंबर तो कहाँ के सर ये? ये तो आ रहा है, ये औरंगाबाद जिला है। अच्छा, वो जो फर्स्ट में था वो औरंगाबाद है। हम लोग टोटल बिहार से परचेज करते हैं, ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं, नीलामी से, फाइनेंसर का बैंक से। ओके ओके, तो सर ऐसा फाइनेंस भी तो करते हैं? फाइनेंस भी हम लोग देते हैं, अपना DSA एजेंसी है फाइनेंस करने का। ओके, तो गाइस ऐसे फाइनेंस के बारे में आपको फुल डिटेल लेना है तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप आराम से कॉल करके आराम से आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, रिक्वायरमेंट बता दिया जाएगा, क्या पेपर वर्क होगा। और चलिए, तो अभी दो ट्रैक्टर के बारे में हमने बता दिया है, तो और थी लेकिन अभी सेल की है। ओके, देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे जो है दो पिकअप लगा हुआ है, दो पिकअप के बारे में मैं फुल डिटेल लेता हूँ सर जी से, बहुत न्यू की जैसा लग रहा है, तो सर इसके बारे में तो फुल डिटेल बताएं। जी, ये आपका 2016 मॉडल है, महिंद्रा की बोलेरो पिकअप है, FB। ओके, ये बड़ी पिकअप भी बोली जाती है इसको। जी सर, ऐसे आप हम लोग लोकल मार्केट में बहुत मल्टीपल पर्पस वर्क ले सकते हैं इसको। जी, गल्ला माल में, मवेशी में, जहाँ भी आदमी किसान जो भी इससे काम कर सकते हैं, बिल्कुल सभी चीज में। ओके सर, ये फर्स्ट ओनर है? जी हाँ, ये भी हमारी 5.25 लाख की है। ओके, ऑल पेपर ओके, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है जी, और इसमें आपका भी 25,000 का डिस्काउंट है। ओके, इसमें भी 25,000 का डिस्काउंट जी है। हाँ, दीपावली मतलब 5 लाख, 25,000 की थी, 5 लाख में मैं कैश में, हाँ, पेपर वर्क करके टोटल। ओके, देख सकते हैं 5,25,000 में टायर वगैरह जी, वैसे आपका 5,25,000 प्राइस रखा गया था, लेकिन हमारे यूट्यूब से आते हैं और ऑफर चल रहा है, मैं फर्स्ट में वीडियो बताया था कि ऑफर चल रहा है दीपावली का, जो कि 5,25,000 था, लेकिन 25,000 आपको डिस्काउंट करके आपको 5 लाख में दिया जा रहा है। और गाड़ी का फुल कंडीशन देख लीजिए पहले, जो टायर है न्यू है, बिल्कुल कोई काम नहीं करना, बिल्कुल कोई काम नहीं करना है आपको, सीधा 5 लाख देना है, आप गाड़ी लेकर घर चले जाना है आपको, तुम बिल्कुल देख सकते हैं, देख सकते हैं, फर्श भी पीछे जाकर देख सकते हैं, पीछे भी आप दिखा दीजिए, हमारे जो कैमरा मैन है दिखा दीजिए भाई पीछे थोड़ा, और बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। तो अब देख लिया, हमारे 2016 मॉडल है, आप इंटीरियर भी हम खुलवा के दिखा दे रहे हैं किसी कंडीशन में, और आइए आप दिखा देते हैं ऐसे अंदर में आपको, अभी गेट खुली गया है तो आइए आप दिखा देते हैं, तो ऐसे आप देख लीजिए अंदर का जो फीचर्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कंडीशन में दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग अच्छे से दिखा दिए गाड़ी के बारे में, फुल डिटेल बता दिए हैं, अब 5 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा जी। हाँ, और बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोग दे देंगे, हम लोग लोन लोन पे भी हो जाएगा ना, भी लोन भी जैसा भी कस्टमर, अगर लोन पे लेना चाहते हैं तो आपको ये लोन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोन के लिए आराम से आए, आप फोन पे बात करें ऐसे हमारे कुछ ऐसा बता दीजिए, अगर लोन पे लेना हो तो कितने परसेंट करना होगा पेमेंट इसमें, पकड़ के वही चलिए आपका जो भी आपका सेल परचेज अमाउंट होगा उसका 35% डाउन पेमेंट। ओके, 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दिए, बाकी रेस्ट अमाउंट फाइनेंस हुआ जी, जब फाइनेंस का पेमेंट आ जाता है हम लोग के अकाउंट में, हम लोग गाड़ी रिलीज कर देते हैं। ओके, मान के चलिए कि ये 2 लाख कोई देकर आपको लेता है पैसा, ठीक है, 2 लाख देकर गाड़ी ले लिया, तो इसे मंथ उसका क्या देना पड़ जाएगा? वही पकड़ लिया 3 लाख का लोन फंडिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेट आप पकड़ के चलिए 11-12 हज़ार की EMI आएगा। ओके, 11 तीन साल में, तीन साल का अगर कर रहे हैं तो, तीन साल से करते 4 साल की जगह तो और कम, 2 साल में बढ़ जाएगा EMI 14-15 हज़ार हो जाएगा। तो जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, 1 साल में 2 साल में डिपेंड है कि हम कितना EMI भर सकते हैं, उनका क्या एबिलिटी है जी। सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है जी, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा डिमांडेड गाड़ी है, मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा कंपनी तो ये पिकअप बनाती है जी, लेकिन महिंद्रा की पिकअप कितनी इकोनॉमिकल और रफ एंड टफ होती है कि जी, जी। इसका रिसेल भी बहुत अच्छा है जी, मैक्सिमम कस्टमर इसी का मिलते हैं जी। तो अब थोड़ा सेकेंड पिकअप की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो महिंद्रा की है ना सर जी? ये भी महिंद्रा की है, ये 2019 जनवरी की है। ओके, 19 जनवरी की, ये भी फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये तो अभी इंस्टॉलमेंट ही में है जी, ये पार्टी ने सरेंडर कर दिया फाइनेंसर को जी, लॉकडाउन के तहत नहीं दे पा रहा था EMI जी, उससे हम लोग फाइनेंसर से हम लोग एग्रीमेंटेड है, बिजनेस पार्टनर उसके, हम लोग उसके EMI अपडेट करके उसको ले लिए, इसको कोई EMI पे भी ले सकता है। अभी इसका नया कॉस्ट है 8,14,000 शोरूम में जी सर, सिर्फ पिकअप का, ओनली गाड़ी का जी। प्लस रजिस्ट्रेशन, बॉडी बनाना, हाई कराना, पत्ती वगैरह सब, बहुत सारा एक्सेसरीज का वर्क होता है उसको लेके आपकी ये गाड़ी अभी कॉस्टिंग 11.5-12 लाख की पड़ती है, अगर लोन पे कोई नया लेने जा रहा है जी। अगर ये लोन ही पे ले जाएंगे तो हमको इसमें हमारा डाउन पेमेंट है 3 लाख, इसका 14,600 का 47 किस्ती ड्यूज है। ओके, अब उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9,71,000 हो जाएगा जी। अब उसमें भी हम लोग लेते हैं तो कैश लेते हैं 8,70,000 मात्र, 8,70,000 रुपये। इसमें क्या डिस्काउंट करके
3 लाख है, हम इसको 2,80,000 डाउन पेमेंट पे दे देंगे। अच्छा, ओके, तो देख सकते हैं बहुत अच्छा आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। फीचर सबसे अलग है, ऐसा पिकअप आपको नहीं मिलेगा जी। आप खोलिए तो आप इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। LCD TV वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बैक कैमरा लगा हुआ है। वाह वाह, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं क्या क्या फीचर्स है। आप देखिए अंदर में आपके LCD, उधर में TV भी है, ऊपर में ये फ्रंट में साउंड बॉक्स है, स्टीरियो है, ओके। अब बैक कैमरा भी इसका लगा हुआ है डल्ला में। ओके, बैक कैमरा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। वाह क्या बात है, बैक कैमरा भी लगा हुआ है। ऐसे तो स्कॉर्पियो अच्छे से कार में लगते हैं, लेकिन ये इसी गाड़ी में मिलता है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। कैमरा किस साइड है सर? तीसरी गाड़ी 19 मॉडल, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें कैमरा भी है, तो नंबर प्लेट के पास, और इसका नंबर भी देखिए बहुत अच्छा नंबर है। चॉइस नंबर लिया था पार्टी। हाँ, यस यस, ये चॉइस नंबर देख सकते हो। लोकल डिस्ट्रिक्ट की नंबर है, सारा गाड़ी का पेपर अपडेट है। जी जी, ये नंबर कहाँ के सर? आरा का है ये, आरा का नंबर है भोजपुर। वाह, देख सकते हैं कि आरा का नंबर है, दोनों आरा का नंबर है जी। अब ये भी आरा का नंबर हो गया, ये भी आरा का नंबर हो गया, ठीक है। ये भी फर्स्ट ऑनर है सर? दोनों फर्स्ट ऑनर। अच्छा, ये इसका माइलेज क्या है सर? इसका माइलेज क्या होगा? इसका माइलेज पकड़ के चलिए 12 का। अच्छा, 12 का मैलेज देगा ना। आराम और से। इसका मैलेज क्या होगा? सेम। अच्छा, सेम 12 मैलेज देगा। ओके, देख सकते हैं आपका जो है दोनों का जो मैलेज है, दोनों का 12 मैलेज है। तो 14 भी आता है इसका जी, लोडिंग में 12 है। अच्छा, लोड करके चलते हैं तो 12, ऐसे आप चलते हैं तो आपको 14-15 मिल ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आगे से आप देख सकते हैं गाड़ी का जो फीचर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम न्यू जैसा लग रहा है भाई। न्यू है, बहुत मेंटेन गाड़ी है जी। हाँ सर, टायर न्यू जैसा लग रहा है, टायर वायर भी एकदम न्यू जैसा है। तो आइए अब ऐसे ऑटो के बारे में बात करते हैं। थ्री व्हीलर सेगमेंट में आ जाइए जी जी, ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है थ्री व्हीलर का जी जी। और ये लोकल सिटी के अंदर चलने के लिए 5 सीटिंग में ये पास होती है ये गाड़ी। ओके, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा अभी डिमांड आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा बैंक की गाड़ियाँ हैं। ओके, जितने भी थ्री व्हीलर मेरे पास है जी, सारी बैंक की है। ओके, थ्री व्हीलर में सबसे बिलो प्राइस अभी आज के डेट में मेरे पास है ये 1,00,000 रुपया में है, 2019 मॉडल। ओके, नया में इसका दाम है 2,50,000 रुपया ऑन रोड। ओके, तो सर ये अभी कितना साल का हुआ गाड़ी? बस मात्र 1.5 साल की गाड़ी है ये। 1.5 साल की गाड़ी आप मात्र 1,00,000 में दे रहे हैं? जी, 1,00,000 में। वाह क्या बात है, देख सकते हैं पेपर वर्क करके लोकल डिस्ट्रिक्ट नंबर है, टोटल चीज आप करके 1,00,000 में दे देंगे। मान लीजिए इसका सीट फटा है, कवर फटा है, बैटरी नहीं, वो सब भी हम लोग अपडेट करके देते हैं कस्टमर। वाह देखिए क्या बात है, इतना अच्छा। इसका टायर कमजोर है, इसमें बोलेंगे कस्टमर तो न्यू टायर डाल देंगे। वाह देखिए अब क्या बात है, आपको 1,00,000 में तो पहले गाड़ी मिल रहा है, ऊपर से आपको जो चॉइस है वो करवा सकते हैं, सीट फटा हुआ है सीट चेंज करवा सकते हैं, अगर टायर भूलेगा तो टायर भी चेंज हो जाएगा। कुछ यहाँ अपडेट, हाँ अपडेट मिलता है। आप देखिए थोड़ा यहाँ पे इस रोड के साइड में है, थोड़ा डस्ट बैठ जाता है, लेकिन वॉश कर देते हैं तो आपका गाड़ी जो बिल्कुल न्यू हो जाता दिखेगा। इसको वॉश करके ही देते हैं, पूरा फुल्ली कंप्लीट करके देते हैं। ओके, अब इसका पेपर भी आप खुला है, टोटल अपडेट, टोटल पेपर, इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस, ट्रांसफर वगैरह सारा कुछ। तो सर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है ना? इसमें तो डिस्काउंट होता है जी, लेकिन इसमें तो मार्जिन बहुत कम हम लोग लेते हैं। ऐसे तो 1,00,000 ऑटो का प्राइस है, ठीक है। तो उसमें हम मैक्सिमम कर सकते हैं आपका दीपावली शुभ अवसर पे पकड़ के चलिए 5,000 तक हम लोग कैश डिस्काउंट करेंगे, और आप इसको हम इंस्टॉलमेंट पर भी दे देते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे 1,00,000 में आप दे देंगे? हाँ, इसको 1,00,000 में इंस्टॉलमेंट नहीं, हम उसमें अपना इंटरेस्ट उस पर लगाएंगे, उसको पकड़ के चलिए 1,50,000 के आसपास। ओके, करके उसमें हम आपको 35% डाउन पेमेंट लेकर कोर्ट एग्रीमेंट से जी बैंक वाले ही देते हैं जी, लेकिन जी। हम उसमें बीच में मेरा भी उसमें रहता है गारंटी। अच्छा, जिस भी आप पे कस्टमर के पास मान लीजिए इसमें बहुत कम पूंजी वाले आते हैं, कमजोर पूंजी वाले लोग, 30-35 हज़ार भी दिए डाउन पेमेंट, बाकी का उनका इंस्टॉलमेंट बना गया अपना पर मंथ 3,000-4,000 या 5,000 जो भी इंस्टॉलमेंट हुआ जी सर, वो अपना देते रहेंगे जिस दिन भर देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको 35,000 में दे के आप ऑटो लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात, इतना आप दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा। या अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए, ऑटो 35,000 दीजिए और लेके जाइए घर। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में, यहाँ पे भी एक ऑटो लगा हुआ है। ओके, ये बड़ी वाली ऑटो है जी, देख सकते हैं आप। तो इसका दिखाइए थोड़ा का, ये भी आपको बेस्ट कंडीशन में अभी गाड़ी है, 2018 मॉडल है ये गाड़ी। ओके, नया में कॉस्टिंग इसका आपका 4.25 लाख के आसपास है ऑन रोड। ओके, कैश में इसको भी हम लोग इंस्टॉलमेंट सेम, अभी इसका प्राइस है 1,50,000 रुपया या काउंटर प्राइस, टोटल पेपर अपडेट करके लोन पे ले जाएंगे तो 2,10,000 हो जाएगा इसका जी। इसका प्राइस क्या है? 1,50,000 रुपया मात्र, 1,50,000 टोटल पेपर वर्क, 1,50,000 वाह क्या बात है। इसमें कितने पैसेंजर बैठ जाएंगे? इसमें तो आपका 10 पैसेंजर आराम से बैठ जाएंगे, 10 पे पासिंग है।
और ऐसा ही कुछ गाड़ी का इंजन कुछ काम टोटल अपडेट है सर। ओके, गाड़ी का कुछ काम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। हम लोग बोलते हैं सेकंड हैंड बेचते हैं, हम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं नहीं। जी जी जी। लेकिन इतना नॉलेज इस सेक्टर में हम लोग को रहते हुए 15-16 साल हो गया। जी जी। हम लोग कस्टमर भी आते हैं, देखते हैं अननोन है, बोलते हैं आप मैकेनिक को लेके आइए, कोई परिचित दिखवा लीजिए, जो आप अपने से चेक करवा लीजिए, कोई कमी है तो आपके सामने गैरेज में काम हो जाएगा, आप संतुष्ट होने के बाद ही पेमेंट कीजिए। ले जाइए। ये नंबर कहाँ की है सर इसका? इसका भी लोकल आ रही है। ये भी आरा का नंबर है? सब आ रही है, लोकल। ये भी फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है। टोटल माइलेज क्या हुआ सर? इसका माइलेज पकड़ के चलिए वही 25-30 का। अच्छा, डीजल पे 25-30 डीजल दे देगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा ऑफर चल रहा है भाई, आप प्लीज लाभ उठाएं। दीपावली में नहीं तो बड़ी वाली में हम लोग 50,000 लेते थे। जी, तो देख सकते हैं बस दीपावली के लिए आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी 3 ऑटो 2 ट्रैक्टर 2 पिकअप में बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको ये जो है ना सबसे कम प्राइस में आपको सब यहाँ पे जो भी है सबसे कम प्राइस में बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिको है ना सर? इंडिको है। इंडिका। अब इसका इंडिका के बारे में प्राइस जानेंगे और क्या फर्स्ट ओनर है, कितने किलोमीटर चला हुआ है और कहाँ की नंबर है। तो सर सबसे पहले बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी है, टाटा की इंडिका है जी, डीजल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी सर। ये 80-82 हज़ार किलोमीटर मात्र चली है। बिल्कुल। गाड़ी के इंजन वगैरह एसी वगैरह सारा कुछ ठीक है। ओके। थोड़ा सा इसका डेंट पेंट का जरूरत है, वो हम लोग अभी कराने ही वाले हैं, अभी करा के अपडेट ही देंगे हम लोग जी। इसका कॉस्ट मात्र 40,000 रुपया है। मात्र 40,000? जी, 40,000। वाओ, क्या बात है, 40,000 रुपया गाड़ी भी है। फर्स्ट ओनर है जी। वाओ, आप ट्रक्स के लिए 40,000 में क्या चाहिए। और सर ये बताइए, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कितने किलोमीटर चला होगा सर? ये 80-82 हज़ार के आसपास चली है। 80-82 हज़ार किलोमीटर चला है, बहुत अच्छी कम चला हुआ है यार, क्या बोले यार, 40,000 मिल रहा है। आइए। पर्सनल यूज की गाड़ी थी एक, ये आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी है जी सर, वही बोले कि आप ले जाइए, सेल कर दीजिए। जी जी। तो आइए इस मौका को जल्दी से उठा के ले जाइए, नहीं फिर पता नहीं कब निकल जाएगा, कोई नहीं जानता है ना सर। दीपावली आ रहा है, अभी तो भीड़ चल ही रहा है। सही बात है, आपको 40,000 मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ये गाड़ी यहाँ रुकने वाला है, कोई भी उठा के लेके चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। इसका माइलेज क्या होगा सर? माइलेज तो इसका सर वही 18-20 का। 18-20 का माइलेज दे देगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोकल चलते हैं तो लोकल में लोकल ही में इजीली। ओके, लोकल में आपको 18-20 दे देगा। ऐसे सबका गाड़ी में प्राइस बता दिया हूँ, बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी आपको देखने को मिला है मुझे आज, लगा कि हाँ आज कुछ वीडियो बना है, मुझे सबसे कम प्राइस में मिला आज, बहुत अच्छा लगा। और सर आपका पहले आप नाम बता दीजिए, अपना नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ संतोष सिंह। ओके। और मेरी कंपनी का नाम है काली ट्रैक्टर सेल्स आरा। ओके। जो कि चंदवा मोड़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के बगल में है, मेन रोड पर, आरा बक्सर रोड में है। आप आ सकते हैं कभी भी, आप आइए, सारा जो भी आपका रिक्वायरमेंट हम लोग फुल फिलअप करेंगे। तो गाइस, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।